अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वी ऑल इन वन बिजनेस टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश 201 जिसकी असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और लेक्चर जो कवर हैं वो 1 to 15 है। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने एमएस वर्ड की फाइल में अपलोड करना है। असाइनमेंट शुड बी जूम्ड एट असाइनमेंट को आपने 100 पर जूम रखना है। प्लीज अवॉइड प्लैगरिज्म, वर्क विल बी मार्क 0। प्लैगरिज्म नहीं होना चाहिए। आफ्टर द ड्यू टू द असाइनमेंट सबमिट बाय ईमेल, ईमेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगी। जो फॉन्ट कलर होगा वो ब्लैक होना चाहिए और फॉन्ट का जो साइज है, जो वर्डिंग का साइज है, वो 12 New Roman होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बिजनेस कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अ प्रोप्राइट लैंग्वेज व्हेन राइटिंग अ लेटर। इट इज नेसेसरी टू यूज स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस एंड अवॉइड वीक वर्ड। इन द फॉलोइंग लिस्ट वीक वर्ड फ्रॉम द ई सेंटेंस एंड राइट इन द कमेंट बिलो। अच्छा जी, इन्होंने बताया कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस में तो हमें ना स्ट्रॉन्ग वर्ड और फ्रेजेस यूज करने चाहिए। तो नीचे हमें कुछ पैराग्राफ दिए हैं या कह लें स्टेटमेंट दी गई है, हमने इनमें से वीक वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो वीक वर्ड के लिए उन्होंने पहला जो है पैटर्न के तौर पे आपको सॉल्व कर दिया है कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म दैट द इंटरव्यू इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू शेड्यूल। इन्होंने अ बिट को एक सिंपल वर्ड या सिंपल सॉल्यूशन कहा है। तो सेकंड में सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट नीड फर्दर रिफाइनमेंट। तो इसमें कैन भी हो सकता है, सेकंड में जो सिंपल वर्ड है और फर्दर भी हो सकता है। थर्ड में वी कैन गारंटी दैट दिस प्रोडक्ट गेट अटेंशन, कैन है थर्ड में। और फोर्थ में भी कैन है, वी नो दैट यू आर कंसर्न अबाउट योर स्टाफ। फोर्थ में सॉरी वी नो है। उसके बाद जो है फिफ्थ में है, वी कैन से दैट द परफेक्ट सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज दैट यू प्रोवाइड अस विद द मटेरियल। इसमें जो है यू भी है और विद द भी है। उसके बाद जो रिजल्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ऑब्वियसली इसमें ऑब्वियसली जो है वो सिंपल वर्ड है। सपोज यू आर वर्किंग एज अ वेबसाइट डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। अच्छा जी, आपने एक प्रपोजल लिखना है और प्रपोजल में वेब डेवलपर में आप काम करते हैं एरोटेक में और यू वांट टू डेवलप अ न्यू वेबसाइट, के लिए आपने एक प्रपोजल लिखना है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस को। उसके लिए आपने पहले तो लिखना है प्रोजेक्ट प्रपोजल द प्रिंसिपल एग्लिटन स्कूल सिस्टम। डियर सर, इज अ फेमस सॉफ्टवेयर हाउस इन दिस सिरा, वी हैव प्रोवाइड इफेक्टिव टाइम मैनर सर्विस टू आवर लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर फर्स्ट प्रियोरिटी। ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, फिर आपने बॉडी में देना है। आप इसको थोड़ा सा और भी लेंथी कर सकते हैं अपनी तरह शेडिंग करके। उसके बाद बॉडी, वी आर providing software to the best educational institute. We know that you need an online website to manage the student activity. I offer service as a good development team. जैसे conclusion में आपने लिखना, we can complete this project liably, and और आप और भी line add कर सकते हैं कि we can complete this project on time, on etc. Project Aerotech system. ये आपके दो question थे।